हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है अबसाल रूम एयर कूलर, जो कि ईरानी रूम एयर कूलर है और बहुत ही जबरदस्त और बड़ा ही बेहतरीन एयर कूलर है। एवेपोरेटिव एयर कूलर है जिसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन और बड़ी खूबसूरत शक्ल में है। टच पैनल के साथ है और रिमोट के साथ है। अब साल कंपनी में है। ACCP 33M इसका मॉडल होता है। और उसके अलावा आपको मैं इसकी जो है शॉर्ट सा रिव्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर ये इसकी आप देख सकते हैं पैड है, पैडिंग हुई हुई है। इसके अंदर 3 इंच का पैड यूज किया जाता है। और उसके अलावा ये इसकी इनर साइड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसका ब्लोअर लगा हुआ है। एल्यूमिनियम में कंप्लीट इसकी जो है वो बॉडी आपको दी जाती है। और ये इसके अंदर इसका पंप जो है वो यूज किया गया है। और उसके अलावा ये इसकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा ही परफेक्ट किस्म का एयर कूलर है। ये इसका फ्लोट वॉल्व सिस्टम है, ठीक है। ये इसके साथ एक इसका बैग आता है, इसकी भी थोड़ी सी आपको चीजें समझा देता हूँ। ये इसका फ्लोट वॉल्व है। और उसके अलावा एक ये आप इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसका प्रोसीजर ये होता है कि ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सुराख, यहाँ पे ये लगता है। और इसका काम ये होता है कि ये यहाँ पे लगने के बाद अगर आपके कूलर के अंदर पानी ज्यादा भर जाए तो वो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाता है। और उसके अलावा कभी अगर आपने इसके अंदर सफाई करनी हो तो इसको खोल के आप इसकी सफाई भी की जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर इसका एक रिमोट आता है, जो कि मैंने आपको बताया ये रिमोट के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर इसका एक सेल पड़ा होता है रिमोट का, और इसकी जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक है वो इसके साथ मौजूद होती है। और उसके अलावा जो है ये इसका कंप्लीट पैकेज हो गया। अब मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये इसकी मोटर और सारी चीजें हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वॉट्स में अगर मैं बात करूं तो लो पावर पे 30 वॉट्स लेता है, मीडियम पे 70 वॉट्स और मैक्सिमम पे 150 वॉट्स लेता है। कूलिंग एफिशिएंसी रेशियो इसकी 75% है। और CFM की बात करूं, 1300 CFM के साथ है और 2200 m³ तक ये रूम को आपका ठंडा कर सकता है। और ACCP 33K इसका मॉडल है, अबसाल कंपनी का। अब मैं आपको इसको इसकी जो वर्किंग है वो चला के भी आपको दिखाता हूँ। और आप ये देख सकते हैं ये पैडिंग में है, ठीक है। कूल ब्रीज पैड इसके अंदर लगे हुए हैं जो कि आपको एलर्जी से भी जो है डस्ट एलर्जी से भी बचाते हैं। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, एक शॉर्ट सा इसका रिव्यू है। तो आप ये देख सकते हैं ये इस वक्त लो स्पीड में ऑन हो चुका है और इसकी बड़ी अच्छी जो है वो एयर फ्लो है। और उसके अलावा ये इसकी मीडियम हाई स्पीड है। ये आप देख सकते हैं मेरी शर्ट जो है इस वक्त वो कितनी सेफ तेजी से जो है वो हिल रही है। और ये पेपर एक्सपेरिमेंट भी ये देख सकते हैं कि पेपर जो है कितनी स्पीड से जो है वो हिल रहा है। उसकी अगर मैं थ्रो की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50 फीट तक लॉन्ग एयर थ्रो जो है ये आपको पास ऑन करता है। और मैं अगर अपना माइक लेके जाऊं इसके करीब तो आपको पता लगेगा इसकी एयर थ्रो कितनी ज्यादा होती है। चूंकि ये नॉइसलेस होता है तो इसकी आवाज आपको इतनी ज्यादा नहीं आएगी, आवाज में बहुत कम होता है ब्रो एयर कूलर। और सबसे बड़ी बात ये होती है वेपोरेटिव एयर कूलर की कि ये ह्यूमिडिटी बहुत कम करता है। तो 1 ईयर वारंटी के साथ है। अगर आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है तो अभी नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करें या हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।